अरे गुरुवर कहाँ चल दिए? महाराज कृष्णदेवराय की जय। महाराज कृष्णदेवराय की जय। महाराज कृष्णदेवराय की जय। विजयनगर के इतिहास में ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि किसी ने न्याय का घंटा बजाकर न्याय प्राप्त करने का प्रयास किया हो। कौन है वो? हमारे समक्ष आइए आप। हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं, आप जो कोई भी हैं, कृपया कर हमारे सामने आइए और अपनी बात कहिए। व्यंकटेश बबई, व्यंकटेश बबई दरबार में ये यहां क्यों आए? वेंकटेश बबई आप? जी हाँ, वेंकटेश बबई। प्रसन्नता हुई कि आपने मुझे पहचान लिया। आपको भला कैसे ना पहचानता, जिस व्यक्ति का समस्त जीवन सामाजिक कार्य, सेवा और समाज के उत्थान में व्यतीत हुआ हो, उसे भला हम कैसे नहीं पहचानेंगे? कहिए, ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई कि आपको न्याय का घंटा बजाना पड़ा? आपका राज्य अभिषेक होने वाला है। इससे पूर्व कि आपका राज्य अभिषेक हो और आप पुनः राज सिंहासन पर आसीन हो, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और संभवतः यही प्रश्न प्रजा के हृदय में भी उठ सकता है। क्या आप इस राज सिंहासन के योग्य हैं? क्या अब भी आपके भीतर न्याय करने का वही समर्थ है? क्या कृष्ण बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारे वही महाराज हैं जिनके न्याय और पराक्रम का साक्षी विजयनगर की भूमि, जल, आकाश, वायु, मनुष्य, पशु, पक्षी, वन, उपवन सब रहे हैं। फिर आज आपके इस संदेह का क्या कारण है? समय, पंडित रामा कृष्णा, समय। जिस तलवार से महायुद्ध जीते जा रहे हो, वही तलवार अगर 20 वर्ष तक प्रयोग में ना लाई जाए तो वह धारहीन हो जाती है महाराज। हम आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझे। यही महाराज कि 20 वर्ष पूर्व मैं भी आपके न्याय और पराक्रम के आगे नतमस्तक था, किंतु विगत 20 वर्ष वन में रहने के पश्चात आप वापस आए हैं और अब आप राज्य अभिषेक के बाद राज सिंहासन पर बैठेंगे, तो क्या ये जान लेना आवश्यक नहीं है कि तलवार में अभी भी वही धार बाकी है या वो धारहीन हो गई है? आपके आगमन की सूचना पाकर मैं भी अति प्रसन्न हुआ था, किंतु आपके एक कृत्य ने, जी हाँ महाराज, आपके एक कृत्य ने मुझे इस विषय पर विचार करने के लिए विवश कर दिया। कृपया कर हमें भी बताएं कि हमने भला ऐसा कौन सा कृत्य कर दिया है, क्योंकि हमने तो आज तक जो भी किया है विजयनगर और उसकी प्रजा की भलाई के लिए किया है। महाराज, आपने पंडित रामाकृष्णा को चुनौती दी थी कि वो मछलियों को वृक्ष पर चढ़ाकर दिखाएं। जीवित मछली वृक्ष पर चढ़े, उछले कूदे गिरे पड़े, जल बिन ना तड़पे अपितु आए उसे आनंद बड़े। वृक्ष पे ही सदैव आवास करे, अपना घर ना जाने क्यों वनवास लगे, दिन हो या रात अपना घर कारावास लगे। जब भई छाओ उसे मैं ढूंढ पाऊं, समय का ना रहे कोई पहरा, अंधकार हो या रहे उजाला, उसकी सुनहरी चमक का रहे बसेरा। परंतु उस पहेली द्वारा हम एक ही संदेश देना चाहते थे
कि विजयनगर की सभी नदी तालाब जलकुंड स्वच्छ कर दिए जाएं। हाँ, और उसके पश्चात ही विजयनगर का स्वच्छता अभियान आरंभ हुआ और सफलतापूर्वक संपन्न भी हुआ। सत्य वचन। लेकिन संपन्न होने के पश्चात क्या आप लोगों में से किसी ने भी उसका निरीक्षण किया है? नहीं किया है। इसलिए जिसे आप सफलता मान रहे हैं वही तो आपकी सबसे बड़ी विफलता है। आपके जल स्वच्छ अभियान हेतु नदी तालाब और जलकुंड में रसायन युक्त औषधि मिलाई गई थी, जिससे कई तालाब और जलाशय में औषधि अधिक होने के कारण अनगिनत मछलियों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण अनेक मछुआरों को आर्थिक हानि भी हुई है, जिसके कारण उनके परिवार के लोग भूखे भी मर सकते हैं। तो हम क्या करें? नहीं, हमारा कहने का अर्थ है महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? जल को औषधि जो है वो जल में डाली गई है, कम ज्यादा हो सकती है। कोई नाप के तौल के जल शुद्ध करने वाली औषधि को जल में तो मिलाया नहीं जाएगा, कहीं मात्रा में कम कहीं मात्रा में अधिक होना संभव है। तो इसमें महाराज का क्या दोष है? दोष तो इनका ही है। जब इन्होंने जल स्वच्छ अभियान शुरू किया था तो इन्हें सुनिश्चित करना चाहिए था कि ये कार्य सुचारू रूप से संचालित हो भी रहा है या नहीं। अगर सफलता का श्रेय ये ले सकते हैं तो विफलता का कलंक भी इनके माथे लगेगा। क्या कह रहे हैं आप? आप भूल रहे हैं कि आप विजयनगर के महाराज श्री कृष्णदेव राय पर दोषारोपण कर रहे हैं। भूल तो आप कर रहे हैं राजगुरु, क्योंकि अभी तक इनका राज्य अभिषेक हुआ नहीं है, और जब तक इनका राज्य अभिषेक नहीं हो जाता ये विजयनगर के महाराज नहीं है, और इनकी लापरवाही के कारण जो कुछ हुआ है मुझे नहीं लगता कि ये राज सिंहासन के योग्य। देखिए गुरुवर, वेंकटेश बाबई, हम इस राज सिंहासन के योग्य हैं अथवा नहीं ये बात की बात है, परंतु एक बात सत्य है कि यदि हमारे किसी भी निर्णय से हमारी प्रजा के किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचती है तो उसका उत्तरदायित्व हम पर आता है। गुरुवर जी महाराज, आप स्वयं जाइए और उन मछुआरों से भेंट कीजिए और उन्हें आश्वस्त कीजिए कि उनकी हानि की भरपाई राजकोष से की जाएगी। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। क्या धन देने से न्याय हो जाएगा? जो व्यक्ति एक बार ऐसी भूल कर सकता है वो भविष्य में ऐसी भूल नहीं करेगा, इस बात का क्या प्रमाण है? वेंकटेश बताई, भूल तो किसी से भी हो सकती है ना। अब जैसे भूलवश ही आप कीचड़ वाली पादुका लेकर राज दरबार में आ गए और आपके साथ साथ आपकी पादुका का कीचड़ भी दरबार में आ गया। अभी आपसे भूलवश ही हुआ ना। उचित कहा पंडित रामाकृष्ण आपने, कदाचित ये भूलवशी हुआ है, लेकिन भूल तो किसी से भी हो सकती है। हाँ। तो फिर ऐसे में एक महाराज और एक साधारण मनुष्य में क्या अंतर है? राजा तो वही है जो भूलों से परे हो। हे बंधु, रामा अपनी लच्छेदार बातों से तो सदैव सबको मौन करवाता आया है, अब तेरा पाला ऐसे व्यक्ति से पड़ा है जिसने तुझे ही मौन करवा दिया। वेंकटेश बबई हूँ या हमारी संपूर्ण प्रजा, भले ही किसी एक व्यक्ति के हृदय में हमारे महाराज बनने के प्रति संदेह हो, तो हमारा परम कर्तव्य है सर्वप्रथम उस संदेह को दूर करना है, और जब तक हम इस संदेह को दूर नहीं कर देते तब तक हमें विजयनगर के इस सिंहासन पर विराजने का कोई अधिकार नहीं, और ना ही विजयनगर के सिंहासन की द्योतक
इस पगड़ी को पहनने का है। महाराज, अविनित स्वामी लाभा, द स्वामी लाभा श्रीयान। एक अयोग्य व्यक्ति के राजा बनने से अधिक किसी का भी राजा ना बनना राज्य के हित में होता है। अब बताइए वेंकटेश बबई, हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे आपके हृदय में उत्पन्न इस संदेह को हम दूर कर सकें? तो चलिए मेरे साथ। हो, अरे और कितना चलवाएंगे, कहाँ लेकर जा रही है? आप तैयार रहिए गुरुवर, मुझे तो लगता है जितनी मछलियां मरी है ना ये उतनी आपसे ही पकड़वाएंगे। शिव, हमने कोई मछली नहीं मारी है, हम क्यों मछलियां मारेंगे? चलिए चलिए। पंडित रामकृष्ण यहां क्यों लेकर आए? लगता है ये महाराज से सीता मैया का पूजन करवाएंगे, तत्पश्चात इन्हें महाराज पर विश्वास आएगा। अरे सीता मैया की पूजा में प्रसाद तो है ही नहीं, हम अभी कंदमूल करेले का प्रसाद लेकर आते हैं। छोटी महारानी रहने दीजिए ना, व्यर्थ में समय व्यर्थ हो जाएगा। किंतु वेंकटेश बाबा आप हम सबको यहाँ लाकर इस चित्र के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं? पंडित रामकृष्ण अब आप ही इसका वर्णन कीजिए कि यह चित्र किस समय का है। ये तो सीता मैया के अग्नि परीक्षा के समय का चित्रण है। बिल्कुल ठीक, अब इस बात का भी आप ही वर्णन कीजिए कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। बताइए। क्योंकि जब भगवान श्री राम सीता मैया के साथ अयोध्या वापस लौटे थे और जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब दरबार में एक वस्त्र धोने वाले ने सीता मैया की पवित्रता पर संदेह व्यक्त किया और कहा कि क्या प्रमाण है कि इतने समय तक लंका में रहने के पश्चात भी सीता मैया पूर्व की भांति पवित्र है। अतः उस व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न हुए संदेह को दूर करने के लिए भी भगवान श्री राम ने सीता मैया को अग्नि परीक्षा देने को कहा, जिस पर सीता मैया ने बड़ी प्रेम पूर्वक कहा, जो मन बच क्रम मम उर माही तजी रघुबीर आन गति नाही, तो क्रिसानु सब के गति जाना, मो कहूं हो श्रीखंड समाना। अतः मन कर्म और वचन से श्री रघुवीर के अतिरिक्त मेरे हृदय में अन्य किसी भी पुरुष का विचार आया हो तो हे अग्निदेव तू मुझे भस्म कर दे, अन्यथा तू सबकी गति जानता है। अतः ये अग्नि मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएगी। सत्य वचन, बिना किसी दोष के सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी, परंतु महाराज तो दोषी है। अब आपको अपनी अग्नि परीक्षा देनी होगी। क्या क्या कह रहे हो आप? आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप इस राज गद्दी के योग्य हैं भी या नहीं। आपको अपने योग्य राजा होने की परीक्षा देनी होगी। महाराज
वेंकटेश बाबा ही आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। किंतु महाराज, आप मात्र एक व्यक्ति के संदेह पर कोई निर्णय मत ले लीजिएगा। वेंकटेश बाबा ही उचित कह रहे हैं। यदि अपनी प्रजा के किसी एक व्यक्ति के संदेह व्यक्त करने पर स्वयं भगवान श्री राम ने सीता मैया की अग्नि परीक्षा ले ली, तो हम परीक्षा क्यों नहीं दे सकते? वेंकटेश बाबा, कहिए क्या परीक्षा देनी होगी हमें, जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि हम विजयनगर के राजा बनने योग्य हैं? ये क्या बात हुई, जब आपको स्वयं परीक्षा लेनी थी तब तो आपने पंडित रामाकृष्ण को चुना, और जब परीक्षा देने का समय आया है तब आप हमें चुन रहे हैं। ए बंधु! रामा, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि वेंकटेश बाबा का तीर उड़ता हुआ तेरी ओर ही आएगा? एक बुद्धिमान राजा की परीक्षा राज्य के एक सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति को ही लेने का अधिकार होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि शिरोमणि हो, चातुर्य का धनी हो, जो मस्तिष्क के सौर्य मंडल का सूर्य हो, जिसकी एक एक परीक्षा अद्वितीय हो, और ऐसा व्यक्ति और ऐसा प्रकांड पंडित महाज्ञानी हमारे इस विजयनगर में केवल एक ही है। ये समस्त संकेत तो हमारी ओर है, किंतु हम महाराज की परीक्षा कैसे ले सकते हैं? अतः आपकी परीक्षा और कोई नहीं अपितु स्वयं पंडित रामाकृष्ण को ही लेनी होगी। अब यदि तूने महाराज की परीक्षा ली और महाराज हार गए तो तेरे प्राण तो गए रामा। अरे नहीं नहीं वेंकटेश बाबाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला महाराज की परीक्षा कैसे ले सकता हूँ? ना 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 ना, ये मुझसे नहीं होगा। यदि पंडित रामाकृष्ण आप महाराज की यह परीक्षा नहीं ले सकते तो ये कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा कि महाराज इस राज सिंहासन के योग है भी या नहीं, और मैं भी कभी अपने हृदय से उन्हें अपना राजा स्वीकार नहीं करूंगा। ओ, जो कुछ भी हो मैं महाराज की परीक्षा नहीं लूंगा। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि न्याय का घंटा बजने का कोई अर्थ नहीं। रुकिए वेंकटेश बाबा, विजयनगर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने न्याय का घंटा बजाया हो और उसे न्याय प्राप्त ना हुआ हो। हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। किंतु महाराज, मैं भला पंडित रामाकृष्ण, आप अपनी पूर्ण योग्यता और निष्ठा के साथ हमारी परीक्षा लेंगे, और हम भी राजधर्म का पालन करते हुए आपकी उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयास करेंगे। परंतु महाराज, यदि आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए तो क्या आप विजयनगर के महाराज नहीं रहेंगे? बताइए महाराज, बताइए ना। यदि हम उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो विजयनगर के राज सिंहासन की सौगंध खाकर कहते हैं, विजयनगर के राज सिंहासन पर कभी नहीं विराजेंगे। सदा के लिए राजपाट त्याग देंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.